गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी ना हम लोग मॉर्निंग में, मैं और दुबई, हम दोनों ना मंदिर आ रहे हैं। एक्चुअली आज ना दुबई का जाने का टाइम हो चुका है, मतलब आज वो चली जाएगी। और जाने से पहले ना वो मंदिर आना चाहती थी, पर हम लोग ना कुछ काम निकल जाता था और हम लोग एक दिन भी नहीं आ पाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, ये रही। तो हम लोग अभी घर पे जाएंगे, जाने के बाद रेडी होके, ऑलमोस्ट रेडी हो भी चुके हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और मंदिर में ना इस टाइम पे कोई भी नहीं है और बहुत अच्छी हवा है। एक्चुअली वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब अभी थोड़ी देर बारिश नहीं हुई इसलिए हम लोग आए। पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। और ये देखो, मेरी पीछे देख रहे हो ना, ये सब है और कोई नहीं है। उधर भी और एक है। अभी हम लोग मंदिर से घर पे वापस जा रहे हैं। आज बहुत जल्दी हम लोग आए थे, मतलब अभी कोई भी नहीं है मंदिर पे। ये देखो अभी ना थोड़ी देर में ये चला जाएगा। हमारी जाते समय देखो, मतलब रास्ते में पानी आ चुका था उसी टाइम पे, और कुछ लोगों के तो घर पे भी पानी था। हम लोग जब जा रहे थे ना तब रास्ते से मतलब दिख रहा था। और ये भी ना मेरे साथ खेल रहा था और हम दोनों को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये ना स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो
और ये देखो इधर ना बहुत अच्छी सुंदर जगह है, तो मैंने कहा चलो हम लोग ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। मैं ना इतनी पागल हूँ, और आप लोग पीछे देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह। मुझे तो लग रहा है ना कि हम लोग इधर पिकनिक मनाने आए हैं, तो अभी हम लोग ना एक ढाबे पर आए हैं, तो अंदर भी पानी है, तो मैं ना वापस से आ गई और वो लोग ना खाने का चीज़ लेके आ रही है। हम लोग गाड़ी में बैठ के ही खा लेंगे क्योंकि अंदर भी पानी है बहुत ज़्यादा। देखो मैं दिखाऊँ गाड़ी से आए थे ना वो, ना वो भैया ना वो किसी काम से थोड़ी बाहर गए हैं, मतलब सामने ही गए हैं। अभी ना सब लोग बोल रहे हैं कि सामने पानी बढ़ रहा है, तो अभी ना थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है क्योंकि दिव्यांश भी हमारे साथ है ना, इसलिए कोई नहीं चले जाएंगे। जाते टाइम तो इतना पानी था नहीं, पर हमारे आते टाइम ना पानी थोड़ा सा बढ़ गया था, और मेरे कपड़े पे भी ना दूसरी गाड़ी से मतलब पानी गिर गया। फाइनली हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं, और माँ को कुछ भी नहीं पता क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं माँ को।